रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम मटन की कढ़ाई बनाएंगे, बिल्कुल शिनवारी स्टाइल की बनाएंगे, जो कि ढाबों पे और स्ट्रीट पे बनती है, बिल्कुल उसी अंदाज में बनाएंगे, बहुत ही लेस स्पाइसेस से बनाएंगे, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखिए, 1 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है, छोटी बोटी में कटवा लिया है। इसको अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो सील हो जाएगा। 2 कप मैंने ऑयल लिया है, ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और इसको अब हम हाई फ्लेम में इसको हम जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे ताकि जितने भी इसके जूसेस हों वो सील हो जाए अंदर, और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसको गलने के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, बड़े कम स्पाइसेस होते हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर रही हूँ और अदरक ऐड कर रही हूँ साथ में तलते में। अभी हम अदरक और थोड़े से नमक के साथ तलेंगे ताकि नमक का टेस्ट जो है इसके अंदर आ जाए, गोश्त का फीकापन खत्म हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखें, अब अदरक लहसुन का मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, मैंने पतला पानी बनाया है उसको मैंने ऐड किया है, 1 तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून। इसको भी हम अच्छे से तल लेंगे। अब इसको पानी डाल के और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैं इसको गलने रख दूँगी। जब ये हमारा 60% गल जाएगा फिर हम इसका पानी खुश करके, देखिए हमारा हो चुका है, और फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, इसको हम साथ में डाल देंगे। इस तरह मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं टमाटर। इसको अभी हम थोड़ा सा इसे पका के, ज़रा सा पानी का छींटा दिया है मैंने इसके अंदर, और हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। और आप देखिए टमाटर का छिलका बिल्कुल गल गल के उतरने लगा है, इस तरह से हम निकाल देंगे छिलका, क्योंकि छिलका जो है फिर वो अलग अलग रेशे आते हैं, बुरे लगते हैं। इसको कोशिश करें कि जितने भी आप निकाल सकते हैं निकाल दें, सारे अलग हो जाते हैं। और फिर इसकी हम भुनाई करेंगे। मेन चीज़ जो है कढ़ाई की वो भुनाई होती है। इससे कलर देखें कितना ज़बरदस्त अभी से आने लगा है। देखें आप, थोड़ा सा इसमें 1 टेबल स्पून तकरीबन इसके अंदर दही मैंने ऐड किया है। करेंगे बहुत, एंड सिर्फ इसकी बुनाई होती है, बस इस तरह से बुनाई करें इसकी कि गोश्त भी ना टूटे, क्योंकि मटन बहुत जल्दी टूटने लगता है। देखें ऑयल हमारा आ गया है। अब इसके अंदर में थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से इसको मलके मैंने डाली है। आप कलर देखें कितना जबरदस्त है, कोई इतने स्पाइसेस नहीं है इसके अंदर, और बहुत ही भुनी भुनी सी बनी हुई है, कितनी मज़ेदार बनी हुई है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की कढ़ाई हमारी है। ये हरा धनिया इसके अंदर, अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च में मैंने ऊपर से ऐड करी है। हम हरी मिर्च कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।